हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू के बारे में। तो कल के क्लासेस में फाइल मेनू में कुछ आपने हमने बताया था, समझाया था, और आज उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हमने समझाया था, बताया था। तो देखो, मैंने बताया था कि अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में रेंडम अगर टेक्स्ट लाना हो तो उसके लिए क्या टाइप करते हैं, DT+ F3। तो जैसे हमने DT टाइप किया और DT टाइप करने के बाद से F3 बटन दबाया तो देखो रेंडम लिखा लिखा हमारे सामने टेक्स्ट आ गया, ये सबको पता है। चलिए अब आते हैं फाइल में, और फाइल में हमने बता दिया था सेव ऑल तक। और देखो इसके बगल में अगला जो ऑप्शन दिया हुआ, दिया एक्सपोर्ट। क्या दिया है एक्सपोर्ट, मतलब अगर जो हमने डाटा बनाया है और इस डाटा को अगर हम दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमें HTML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना हो या PDF में करना हो या डॉक्यूमेंट में करना हो, मतलब एक्सपोर्ट करने का मतलब इसको आप किस फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और इंपोर्ट तो पता है कि पहले से कुछ बना हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करना है, लाना है, उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ऑप्शन दिया है, देखो इसमें आप इस ऑप्शन के सहारे हम डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब कई सारे फॉर्मेट आ सकते हैं, HTML आ सकते हैं, उसके बाद से हमारे PDF आ सकते हैं, ठीक है, राइटर के आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे ऑप्शन दिए इसमें, और इस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद से अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करने हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल तरीका है, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे सामने देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, तो बाइट फाइल दिया है, देखो फाइल वन टाइटल वन, और देखो ये पहले से ये सेव हो रहा है, EBUB डॉक्यूमेंट, मतलब ये राइटर का बाइट फाइल फॉर्मेट है, इसी में सेव हो रहा है। लेकिन हमको इसमें सेव नहीं करना है, इसका PDF हमको बनाना है, ठीक है, या HTML के रूप में सेव करना है, या इसको वेब पेज पे अपलोड करना है। तो जैसा प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करोगे वैसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखो HTML दिया है, PDF दिया है, ठीक है, और भी बहुत सारे JPG फॉर्मेट दिया है, राइटर XML दिया है, या फॉर्मेट अलग अलग स्टार्ट करोगे, ठीक है। इतना ज्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हम लोग PDF में सेव कर लेते हैं या तो डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं, या किसी वेबसाइट पे डालना है तो वेब पेज पे लोड कर लेते हैं, और उसके अलावा बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए आते हैं, फॉर एग्जाम्पल को PDF में इसको सेव करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे PDF, और PDF का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखो कुछ शॉर्टकट भी दिए गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, देखो PNG का दिया है, JPG का दिया है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इसको हमको PDF में सेव करना है, PDF पे क्लिक करेंगे तो देखो आ गया PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ PDF या PDF स्टैंड फॉर, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलो इसके साथ साथ दो तीन और लिख लो, भूल जाएगा, JPG दिया है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और PNG दिया है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, नोट कर ले, क्वेश्चन पूछा जा सकता ज्वाइंट फोटोग्राफी। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जी, नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। चलिए तो हमने अनटाइटल वन के नाम से नहीं सेव करना है, मैंने एक डॉक्यूमेंट नोट्स बनाया है, और वो नोट्स मान लो हमने बनाया किससे, फंडामेंटल से रिलेटेड, लिख दिया फंडामेंटल,
नोट्स। और क्या कर दिया हमने, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे। बस हमें यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक किए और यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करते ही देखो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। कर आल या पेजे, जैसे सिलेक्शन इतना किए हुआ तो नो लाल, जितना पेजे सब करना है, ठीक है। कंप्रेस किसके हिसाब से करे, तो जेपीजी के हिसाब से ही रहना चाहिए। और देखो डीपीआई दिया 300, डीपीआई गुणों पता है ना आपको क्या होता है, डॉट पर इंच पढ़ाया गया था, लिख लेना नहीं पता होता, शुरुआत नहीं पढ़ाया जाता डीपीआई डॉट पर इंच। कंप्रेस पिक्चर नहीं पढ़ाया था, साइज को रिड्यूस करना, पिक्चर के साइज को रिड्यूस करने के लिए कंप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ डीपीआई, जितना डीपीआई अच्छा रहता है रेजोल्यूशन हमारे पिक्चर का उतना अच्छा रहता है, पिक्सल फटता नहीं, इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होती है, तो रेजोल्यूशन कम से कम 300 से 250 रहता है तो अच्छा रहता है। अब देखो अगर हम जो पीडीएफ इसको बना रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि हमारा पीडीएफ कहीं भी जाए, वाटर मार्क लगा दूं, मेरा पहचान उसके साथ जाए कि कौन बनाया है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिया है, साइन विद वाटर मार्क, बोलो यस क्या लगाना है, तो मैं नाम लिख दिया एक्सपोर्ट। हो गया, अब तो कहाँ देखेंगे, फंडामेंटल नोट्स। अरे यार ये पीडीएफ में है वो अलग प्रोसेस है, ये पीडीएफ बनाते समय दिया है, एक तो अलग ऑप्शन रहता, अपने हिसाब से सेटिंग किया था। हो जाएगा बाबू, कर ले जाएंगे ना। चलिए आते हैं आगे और अगला प्रोसेस सीखते समझते, और वही ऑप्शन यहाँ भी दिया है, एक्सपोर्ट एज किसमें करना है, पीडीएफ में या वैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट में कैसे करना है, तो वही यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे तुरंत पीडीएफ में आ जाएगा, तो हमको करना नहीं है, पहले से जो था वह रहने देना है, इसीलिए यहाँ से कट कर देंगे। अगला है सेंड, अगर आप सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे सेंड के भी ऑप्शन दिए गए हैं, ईमेल पे सेंड करना चाहते हो या सेंड बाय ब्लूटूथ, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, क्यों, रीजन यह है क्योंकि हम लोग ईमेल को खोल के तुरंत अटैच करके शेयर कर ले जाएंगे, और यह सर्विस जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो तुरंत हमारा यहाँ पे इंटरफेस लेके जाएगा, कहाँ पे आउटलुक ओपन हो गया और बस टू, और यहाँ पे नेम दे दोगे और यहाँ सेंड कर दोगे, चला जाएगा, समझे। तो डायरेक्टली इसको सेंड भी किया जा सकता है, लेकिन हाँ ध्यान नहीं, जिस कंप्यूटर में आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा उसी में काम ये करता है, तो आउटलुक क्या होता है, तो एडीसीए वाले जो होते हैं उनको पढ़ाया जाता समझाया जाता है, पर इतना कह लो कि यहाँ से शेयर किया जा सकता है डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट, तो तुम लोग आउटलुक नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जीमेल को ओपन करिएगा, फाइल को अटैच करिएगा, वहां से सेंड कर दीजिए, ठीक है। और ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो अब लोग नाम मात्र का कर रहे हैं, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए ऑप्शन दिए गए। हाँ ये लिख लो, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल शिफ्ट हो, क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्टकट की, हम सारा सब लिखवाते भी जाएंगे, बार बार लिखवाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल शिफ्ट हो। कंट्रोल शिफ्ट ओ, जैसे आप लोग एमएस वर्ड पढ़े हो, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट भी क्या होता है, कंट्रोल, अरे प्रिंट करने के लिए होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए पूछ रहे हैं, एमएस वर्ड में अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है पेज का तो क्या शॉर्टकट की होता है, नहीं पता है। अगर एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल प्लस एफ टू होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ टू, अगर कहीं पे हो और उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल पी नहीं करते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, हमको प्रीव्यू चेक करना है तो कंट्रोल प्लस एफ टू बटन दबाते हैं,
वैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर में हमको प्रिंट नहीं करना है, इसका प्रीव्यू देखना है। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे। तो देखो हम आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू दिखने लगेगा। ऐसे अब हमारा प्रिंटर जुड़ा नहीं है, फाइल नेम पूछा जा रहा है, सेव कर लेंगे और उसके बाद से नाम देखे बच्चे के नेम ट्राई नॉट कंट्रोल शिफ्ट ओ आ गया। बोलो तो ऐसे देखो, अब यहाँ पे प्रीव्यू देख लिया, अब तुम्हारी मर्जी यहाँ से और जूम करके और देखना देख लो, ठीक है, और यहाँ से प्रिंट करना है तो प्रिंट कमांड दे दो, बस आ जाएगा। पीडीएफ प्रिंटर नहीं जुड़ा है, ऑल पेज पेजेज यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं और कर देंगे प्रिंट, निकल के चला आएगा। क्लोज नेक्स्ट। अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रिंट का, तो प्रिंट के लिए शॉर्ट कोड भी सेम है, एमएस वर्ड में जो है वही राइटर में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने के लिए शॉर्ट कोड की क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे? कंट्रोल बस पी होता है घुमाने के लिए, कि लड़के गलत जवाब दे देंगे कि प्रिंट वर्ड में दूसरा होता है और राइटर में दूसरा होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम जगह प्रिंट का शॉर्ट कोड की कंट्रोल पी ही होता है, मतलब मैक्सिमम जगह, हर जगह नहीं, लगभग 95% जगह प्रिंट के लिए कंट्रोल पी होता है। 5% ऐसे छात्र जहाँ पे प्रिंट का शॉर्ट कोड चेंज हो जाता है, ऑल्ट पी से होता है, कई भी जगह कंट्रोल पी से होता है, कई जगह शिफ्ट पी से होता है, ठीक है। तो ऐसा कभी फिक्स मत करना कि हर जगह इससे होता है, लेकिन 95% छात्र में प्रिंट होता है किसे? कंट्रोल प्लस पी से। तो बस हम प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंटर जुड़ा है, बस क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट कर देंगे। तभी जुड़ा नहीं है तभी पीडीएफ बनेगा, और नहीं जुड़ा रहता तो तुरंत प्रिंट हो जाता। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं अगला, यहाँ पे दिया प्रिंटर सेटिंग, मतलब प्रिंटर से रिलेटेड कोई सेटिंग करना हो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से प्रिंटर का नेम सेलेक्ट कर लेंगे कि प्रिंटर कौन सा प्रिंटर हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे होता क्या है, कई सारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं ना, कौन सा टाइमिंग है? हाँ नहीं आना चाहिए तुमको, 34:40 हो गया, बैठो, जानते थे तुम्हारा, इसलिए नाम नहीं ऐड कर रहे, आदत तुम सुधरेगा। चलिए यहाँ पे देखो प्रिंटर चूज कर लेंगे, और उससे रिलेटेड कोई सेटिंग करना हो तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे पेज का वो ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन मतलब आकार क्या होना चाहिए, ठीक है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप करना है, खड़े में देखना है या पट में करके देखना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, पोर्ट्रेट में दिख रहा है और हम सोच रहे हैं नहीं लैंडस्केप में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जरूरत कब पड़ता है तो आप लोग जानते ही हो, कि जहाँ पे अगर नंबरिंग हमारा कम हो, डाटा ज्यादा हो, तो वहां पे हमेशा लैंडस्केप का इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ पेजेस पे ज्यादा डाटा हो तो वहां पे हमेशा पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से सेटअप किया जा सकता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिया, पेपर का साइज क्या होना चाहिए, एडवांस सेटिंग में दिया है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लेटर ही लेते हैं, लेटर में ही प्रिंट होता है, अगर नहीं है तो ये फोर साइज ले लेंगे, मतलब मैक्सिमम लोग प्रिंट लेटर में ही करते हैं, बहुत बढ़ाएंगे तो ये साइज, ये फोर साइज कर देंगे, उससे ज्यादा नहीं, ये फाइव करेंगे तो आधा हो जाएगा। हाँ तो लेटर में सबसे बेटर रहता है, लेटर या तो ये फोर साइज, उससे ज्यादा नहीं, यहाँ कर ले जाएंगे। यहाँ पे सब सेटिंग दिए गए हैं, ऑप्शन में वही ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ओके करेंगे। यही प्रिंटर का सेटअप है, प्रिंटर जुड़ा रहता तो और भी अच्छे से हो जाता। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या लिखेगा, इस पेज का प्रॉपर्टीज दिखेगा, इस पेज के बारे में बताया जाएगा कि आपने क्या ओपन किया, कितना पेज ओपन किया है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। तो देखो यहाँ बता रहा है किसके नाम से सेव है, अनटाइटल, क्या है यह, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, लोकेशन अननोन, अभी लोकेशन कोई नहीं, साइज नहीं बता रहा है, क्रिएट कब किया था, 5:30 किया था, मॉडिफाई कब किया था, नहीं किया है, अभी टेम्पलेट्स है, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे साइन भी नहीं किया, लास्ट प्रिंट भी नहीं किया है, मतलब इसका प्रॉपर्टीज बताता है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर करना है तो यहाँ से ऑप्शन दिया है, फाइल पे आएंगे डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए सर्विस लेना पड़ेगा, तभी ले देगा, यहाँ से इंसर्ट करके और यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ऑप्शन देता था, इसमें नहीं देता था, अमेज़न में दिया है कि डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, वैसे टाइप करके, या एक्सपोर्ट करना चाहते हो साइन को पीडीएफ के रूप में तो ले सकते हो, ऐसा जरूर पड़ता नहीं, जल्दी हम लोग एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट करें, भले इसमें नॉर्मली लगाना पड़ेगा, स्कैन करके पिक्चर के रूप में इंसर्ट कराना। और नेक्स्ट अगला है एग्जिट लिब्रे ऑफिस, लिख लेना कंट्रोबस क्यू, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, दो शॉर्टकट की बार बार पूछेगा, परेशान करेगा, एक पूछेगा विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, और एक पूछेगा लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ाऊंगा, आज जो है वो लिखूंगा, एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल क्यू, अरे राइटर है कुछ भी हो, लिब्रे ऑफिस राइटर हो या काल को सब में ही काम कोई भी साफ्टवेयर, मतलब इसमें लिब्रे ऑफिस में जितने साफ्टवेयर हमारे वो है, एक्सेल हो, वर्कशीट हो, या इंप्रेस हो, या राइटर हो, या डाटाबेस हो, सब में ही काम करता है। इसके लिए एडिट मेनू बना दिया, देखो इसके लिए एडिट मेनू बनाया, सब उसमें ऑप्शन दिया जो सेम है वो तो हम लोग चर्चा करना ही नहीं है, बस बता दूंगा ये सेम है या सेम है, जो अलग है वो बताऊंगा मैं आपको, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं एडिट मेनू में। तो देखो एडिट मेनू में मैक्सिमम ऑप्शन आप जानते हो, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं जानते हो वही मैं चर्चा करूंगा, वही मैं बताऊंगा। तो आप बताओ, अंडू जानते हो, रीडू भी जानते हो, हाँ रिपीट ऑप्शन एक नया दिया है जिसके लिए शॉर्टकट भी दिया कंट्रोल शिफ्ट वाई, नोट करें तो बताओ क्या होता है जी। कंट्रोल शिफ्ट वाई रिपीट, रीडू कंट्रोल प्लस वाई, हाँ सेम है, यहाँ पे अलग हुआ बताएंगे। अरे यार एक ही ना दो लाइन में सब लिखवा दे कि एमएस वर्ड में लिब्रे ऑफिस कौन सा सेम होता है, क्लियर रिपीट, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया रिपीट, इसका यूज क्या समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, यह ऑप्शन एमएस वर्ड में भी नहीं है, यह ऑप्शन एमएस वर्ड में भी नहीं दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है, थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद से थोड़ा इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है बाबू, और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्लियर इतना। तो हमने सेलेक्ट करके साइज को बड़ा किया और बोल्ड किया। अब देखो अभी रिपीट ऑप्शन हाईलाइट था क्या, नहीं था, अब एडिट पे आते हैं, अब हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, मींस जो हमने फॉर्मेटिंग किया है, और यही रिपीट अगर दूसरे पे करना चाहते हैं तो उतना सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे ना, वो अलग है, अलग है क्या, कौन सा, ये लास्ट में जो प्रोसेस किए है ना वो काम करता है, रिपीट करता है,
फॉर्मेटिंग है, क्लोन फॉर्मेटिंग अलग है जी। या लास्ट में जो हमने रिपीट करते हैं वो फॉर्मेटिंग नहीं करेगा वो, ठीक है। जो लास्ट में वर्क करेंगे उसको रिपीट करते हैं, उसके लिए क्लोन फॉर्मेटिंग दिया है, फॉर्मेट पॉइंटर दिया है इसके लिए, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया देखो, लास्ट में मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। क्या किया हूँ? डिलीट किया हूँ। तो देखो यहाँ पे सेव हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, रिपीट क्या किया आपने, मतलब यहाँ पे डिलीट किया है। तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वाई दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करता, इतना ध्यान देना। इसके लिए क्लोन फॉर्मेटिंग दिया है, फॉर्मेट पेंटर का जैसा, वो आगे की बात है। मतलब इसमें समझ जाओ, रिपीट लास्ट सेक्शन सर पढ़ाए होंगे आपको एक्सेल में, ठीक है, जिसके लिए शॉर्टकट भी होता है या फोर बटन, कि लास्ट में जो हम काम करते हैं सेम वही रिपीट करना, तो या फोर बटन दबाते जाएंगे। तो इसमें भी वही है, कुछ डिलीट कर रहे हो या कोई लास्ट जो प्रोसेस कर रहे हो, अगर उसी को रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लोग रिपीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट भी कंट्रोल शिफ्ट वाई। फॉर्मेटिंग को करना तो आगे हम पढ़ाएंगे बताएंगे, हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये कट का वही शॉर्टकट की है, कॉपी का भी वही है, पेस्ट का भी वही है। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शन नए पड़ जाते हैं, वो ऑप्शन पड़ जाते हैं पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल पे यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी दिए गए हैं, थोड़ा लिख लेना। एक दिया पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी, और एक दिया पेस्ट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट भी। पहला लिखिए पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड टेक्स्ट, पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड टेक्स्ट, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी, बहुत छोटा है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी, और एक है पेस्ट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट भी। कंट्रोल शिफ्ट भी, इसमें आ रहे हो, कर जगह नहीं है क्या, बताओ किसमें? 9 बजे कौन सा टाइमिंग है आपका अभी, 5 बजे आपसे सर बोला है।